तो सबसे पहले किसी को ढूंढा जा रहा है अवनी, काफ़ी कोशिश कर रही है किसी को ढूंढने की, लाल महल से निकल के आई हैं, अभी भी कुछ पहेलियाँ जैसे बाकी रह गई। जी हाँ, ये रंग महल एक पहेली है एक तरह से। इसके पीछे रागिनी पंडित के साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं कि रागिनी पंडित के बाद भी ये चीज़ हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, और इसे जड़ से ख़त्म करने के लिए उस इंसान को ढूंढना बहुत ज़रूरी है जिसे अभी हम ढूंढने का प्लानिंग कर रहे हैं, जिसे हम वहाँ तक पहुँचने की तैयारियाँ कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इसमें जूही का भी कनेक्शन है जिसमें आप उसकी मदद कर रहे हैं, तो क्या है मतलब किस चीज़ के लिए मदद? जूही फ़िलहाल डरी हुई है क्योंकि जिसे हम ढूंढ रहे हैं उसने पास्ट में जूही के साथ इतना बुरा किया होता है कि जिससे जूही उनके नाम से ही डर जाती है। सो वही हम उसको कंसोल करते हैं, समझाते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, हम उसे ढूंढेंगे और या उससे पहुँच जाएंगे। अभी फिलहाल एक नाम मिला था आपको, झांसी की रानी, आप देते दबंग बहू का नाम, हर जगह घुस जाती हैं, करती हैं कुछ ना कुछ सॉल्व झगड़े के लिए, तो क्या मतलब कहना चाहेंगे? अवनी का किरदार बड़ा ही मज़ेदार होते जा रहा है। जी हाँ, आई थिंक अवनी बहुत ही स्ट्रांग लड़की है और कोई भी मुसीबत सामने आ जाए उसके वो कभी पीछे नहीं हटती, वो हमेशा उसका सामना करती है। आई थिंक हमें रियल लाइफ में भी ऐसे ही होना चाहिए कि कोई भी मुसीबत आए उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हम जितना भागेंगे उतना चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। सो आई थिंक उसको फेस करो, सामने जाओ और उस चीज़ से लड़ो। सो वही अवनी करती है और उस चीज़ को ख़त्म भी कर देती है।